नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुष्का। महाराष्ट्र अहमदनगर के ब्रह्मकुमारी साइबन में मधुबन बी के पाठशाला में खास दृष्टि बाधित लोगों के लिए राजयोग मेडिटेशन द्वारा मन शांति अभियान का शुभारंभ किया गया। यह अभियान एक साल तक रोटरी पीस सेंटर के सहयोग से चलाया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ गौरी इंगले और शुभम राउत ने अंध बांधवों के साथ किया। बी के डॉक्टर सुधाने ने कहा कि अंध बंधुओं के जीवन में ज्यादा मुश्किलें होती हैं और इनके जीवन को सहज सुंदर सफल बनाने का कार्य राजयोग जीवन पद्धति से होगा। स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा शिव को प्यार से याद करने से आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है और आत्मिक ताकत बढ़ने से सर्व समस्याओं का समाधान हम प्राप्त कर सकते हैं। दो जिस्मानी आंखें नहीं भी हों, लेकिन यह दिव्य बुद्धि का तीसरा नेत्र जीवन को सहज सुंदर सफल बनाएगा। ब्रह्म कुमारी साइबन में मधुबन गीता पाठशाला और रोटरी पीस सेंटर के द्वारा अहमदनगर में अंध बांधवों के लिए राजयोग मेडिटेशन के कोर्स का शुभारंभ किया गया है। एक्चुअली देखा जाए कि जब हम अंध बंधुओं से बहनों से मिलते हैं तो उनकी बहुत सारी समस्या होती है, बहुत सारी मुश्किलें उनके सामने आते हैं। तो लेकिन ये जीवन सहज होने के लिए, सुंदर होने के लिए और सफल होने के लिए राजयोगा मेडिटेशन उनके भी लाइफ में बहुत अच्छा सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा, ये विश्वास ये पहले ही क्लास में हमें प्राप्त हुआ है। डॉक्टर सुधा ने इस मौके पर कहा कि राजयोग का यह अभ्यास पूरा साल हफ्ते में एक दो बार ऐसे ही चलता रहना चाहिए। राजयोग मेडिटेशन के ये जो सेशंस हैं, ये पूरे साल चलते रहेंगे। हर हफ्ते में दो क्लास यहाँ पर होने जा रहे हैं और पूरे साल भर में राजयोग मेडिटेशन के सेशंस और मुरली क्लास के विचार सागर मंथन ये पूरा ही साल इन बंधु और भाइयों के लिए हम ले रहे हैं। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया है, अनुभव लिया है, तो ये सत्य ईश्वरी ज्ञान लेने के हकदार वो भी बनते हैं। कार्यक्रम के दौरान रोटरी के अध्यक्ष माधव देशमुख, सचिव दीपक गुजराती, अनीता माने विशेष तौर पर उपस्थित रहे और दृष्टि बाधित लोगों के लिए इस प्रयास की जमकर प्रशंसा की। स्वयं को देखिए, ये मैं हूँ, मैं ज्योति हूँ, अंतर मन की ज्योति हूँ, आत्मा हूँ, प्राण ऊर्जा हूँ, प्राण शक्ति हूँ। अनेक वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ, सोल हूँ, सोर्स ऑफ लाइट जो अति सूक्ष्म है।